एक दिन एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को एक गांव की यात्रा पर ले गया। वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वे कितने अमीर और भाग्यशाली हैं, जबकि गांव के लोग कितने गरीब हैं। उन्होंने कुछ दिन एक गरीब के खेत पर बिताए, वहां का जीवन जिया और फिर अपने घर वापस लौट आए। घर लौटते वक्त रास्ते में उस अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे से पूछा, तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं और वे कैसा जीवन जीते हैं? बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने देखा। हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास चार हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास एक पूरी नदी है। हमारे पास रात को जलाने के लिए विदेशों से मंगाई हुई कुछ महंगी लालटेन है और उनके पास रात को चमकने वाले अरबों तारे हैं। हम अपना खाना बाजार से खरीदते हैं, जबकि वे अपना खाना खुद अपने खेत में उगाते हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें 5 लोग हैं, जबकि उनका पूरा गांव उनका परिवार है। हमारे पास खुली हवा में घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास पूरी धरती है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अपने बेटे की बात सुनकर अमीर व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था। बेटे ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी मुझे यह बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं।